गाइस ये है भाई सबसे बड़ा और लंबा भी करते हैं भाई अपने पटाखों की अनबॉक्सिंग। सो हे गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग और आप देख रहे हैं सीएचओपी के व्लॉग्स। तो गाइस अभी सुबह सुबह भाई एक बहुत बड़ी दुख की बात हो गई है हमारे साथ। जो हमारे पास इतनी सारी लड़ी थी, ये भी ये डब्बा भरा हुआ था, ये डब्बा भरा हुआ था, बट क्या हुआ बताऊं, ये सारी खराब। लाओ अभी तो मैं सीट अम्ब्रेली सस्ती लाओ सस्ती ज्यादा। यार आज घर सजाने की भी सोच रहे थे, क्या बताऊं यार तुम्हें, सुबह सुबह मूड खराब हो गया यार। चलो कोई बात नहीं, मूड को सही करेंगे, पटाखे दिखाएंगे अभी आप लोगों को, मस्त मस्त कितने भयंकर भयंकर पटाखे हैं। और अभी व्यू के नखून काटे जा रहे हैं, कैसा है कोका कोका। गाइस ये गाना भी गाने लगा है कोका कोका। मम्मी पापा तो कहना सीखा नहीं, कुम्मा चुम्मा टुम्मा। देखो व्यू को चुम्मा टुम्मा इसने खराब करी गाइस, ये सारी लड़ी हमारी नहीं नहीं कैच कर ली बल्ले। तीन बार स्कूटी पे लाने पड़ रहे हैं पटाखे हमको। तीसरा कट्टा बेचने के लिए आए, ये पटाखे पटकाने के लिए। हाँ और की तो गाइस अभी करते हैं भाई अपने पटाखों की अनबॉक्सिंग। पहले कट्टे दिखाते हैं तुमको कितने सारे हैं हमारे पास। कट्टे में इतना बोझ है, ऊपर भी ना रखा जा रहा यार। और कुछ पटाखे हैं इस थैली में। तो गाइस अभी करते हैं भाई सबसे पहले ये वाला कट्टा ऊपर। मैं पहले ना सारे के सारे पटाखे निकाल के ताकत पे रख लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। गाइस ये है भाई सबसे बड़ा और लंबा पटाखा और सबसे महंगा भी है भाई। ये भाई सारे पटाखों का मुहूर्त फिर से कर दिया है भाई हमारी भैंस ने। आज अभी थमले लेने में भाई बहुत टाइम लग गया है, बट अभी तुमको जल्दी से पटाखे दिखाते हैं। सबसे पहले मैं दिखाता हूँ तुम लोगों को अपना स्पेशल पटाखा तेरा मस्ताना। गाइस जिसमें ना 2000 की लड़ी है, बिजली बम नहीं आया करते थे वो जो खतरनाक बिजली बम थे, ऐसे बिछा देंगे पूरी गली में और आग लगाते पूरी गली फट जाएगी। पट 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 पट। और ये भी सेम ही है गाइस, अभी तो कहता हूँ तुमको भाई एक ऐसा परमाणु बम, सॉरी गाइस परमाणु बम नहीं है ये, एक ऐसा स्काई पेंटर है आसमान में जाके पेंट करेगा। इस पे लिखा भी हुआ है। और ये हैं छोटे छोटे स्काई शॉट्स। गाइस हमने ना ज्यादा से ज्यादा स्काई शॉट ही लेके आए हैं। गाइस हमारे यहाँ तो भाई बम पटाखे पहले पटकने स्टार्ट हो गए हैं। थोड़ा हल्का सामान जो है वो तुम्हें बाद में दिखाऊंगा, अभी दिखाता हूँ भाई तुमको मैं सबसे स्पेशल सामान जो कि इसके अंदर है। अब दिखते हैं गाइस, ये तीन स्काई शॉट एक साथ है बट ये अलग अलग पटकेंगे, और इन स्काई शॉट को पटकाने के लिए दिल जिगर जान तीनों चाहिए होगी। गाइस ये ऐसे रखा जाएगा और ऊपर जाके आसमान में पटकेगा। ये भी छतर गाइस, बच्चे लोगों को कुछ नहीं पता है, ये ज्यादा बोल रहे थे, ये कह रहे थे कि ये तुम ऐसे रख के कैसे पटका दोगे। गाइस हम ना ऊपर रख के नीचे पटका देंगे, जमीन में पटका के देखेंगे स्काई शॉट सबसे अलग तरीके से। इसकी ना हमारे पास 12 पैकेट हैं, ये रही जिसमें तीन पीस है, यानी कि 12, 3, 24, 36। गाइस इसमें है थोड़ा बहुत बच्चों के लिए सामान, व्यू के लिए, व्यू की मम्मी के लिए चक्री है, फुलझड़ी है, अनार है, बाकी हल्का सामान उनके लिए ही है, हमारे लिए तो बड़े बड़े बम है गाइस। और अभी तुम्हें दिखाते हैं भाई असली वाला सामान। ये दिखा दिए दिखे यार, नहीं गाइस ये असली नहीं है, इससे असली सामान ना तुम्हें मैंने सबसे पहले ही दिखा दिया। ये 1000 पटाखों वाली लड़ी का सामान है ये यार, मैं तुम्हें पहले दिखाता हूँ, बट अभी तुमको इससे भी असली सामान मिलेगा इस मिठाई के डब्बे में। गाइस ये मिठाई का डब्बा देख रहे हो आप, इसमें भी बम है। ये भगवान क्या जुलुम है, इसमें ना 12 सितारों वाला बम है, यानी कि जब आसमान में जाएगा तो 12 सितारे बनेंगे ऐसे। तुम अपने घर से देख के कमेंट करके बताना तुम्हें वो सितारे चमके नहीं चमके। ये पहला आविष्कार हमारे चैनल पे होने वाला है, हम करने वाले हैं 12 सितारे आसमान के अंदर। गाइस जो ये जो छपरी लोग बैठे हुए हैं ना बराबर में, ये मेरी तफरी ले रहे हैं, दिखा इनके चेहरे। 600 लड़ी जिसमें से मतलब लड़ी और स्काई शॉट पे ज्यादा फोकस किया है हमने, ताकि हम लोग ना धमाका करते ही रहे, लगातार चलता रहे। एक पटाखा पटकाएंगे मजा नहीं आएगा ना, एक साथ जब पट 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 होगी ना तब आप लोगों के घर में भी आवाजें जाएगी कि भाई साहब पटाखे पटके हैं वहां पे। गाइस अभी तुम लोगों को दिखाता हूँ भाई मैं एक हांडी जिसमें से निकलेगा अनार। दुकानदार मैनू कह रहा था 10 रुपए की तो हांडी हांडी बने, आजा ये है वो हांडी। गाइस इसमें कहीं भी बत्ती नहीं है,
नाक वाली बत्ती नहीं, मतलब वो वाली बत्ती जलाने वाली, बट ये फिर भी पटके का तुम्हें दिखाऊंगा दिवाली वाली थी। माय गॉड गाइस, जो ये लोग बैठे हुए ना बराबर में, ये कह रहे हैं भाई इसके टोप पे लगा। गाइस ये बात तो पता ही नहीं थी हमें, इन लोगों ने बताई है। आपको पता थी कमेंट करके बता दियो। और गाइस अभी तुमको दिखाते हैं भाई, नहीं ऊपर को नहीं आ सकता, पटाखे हट जाएंगे, इधर को आना पड़ेगा। खत्म। अभी आ जाओ भाई साहब हमारे स्काई शॉट्स पे, हमारे पास 30 स्काई शॉट, यानी के 30 बार पटाखे जो है आसमान में पटापट रहेगी। एक डब्बा, दो डब्बा, तीन डब्बा, चौथा डब्बा तो आ गया भाई 60 शॉट वाला, और ये आ गया डब्बा भाई साहब 120 शॉट वाला, यानी के अब 120 वाला है भाई साहब। अरे बाबा उठा ले, मेरे को नहीं रे, इन दोनों को उठा ले। 120 बार पटकेगा आसमान में जाके, और इसके ऊपर ना एक बहुत भयंकर हथियार है, इसको बोलते हैं हम चक्री। चक्री घूम घूम के इनमें आग लगाएगी, ऐसा एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं हम गाइस। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके। गाइस अभी हमारे पास एक स्पेशल धमाका है, स्पेशल धमाका, इसको उठाना भी बहुत भारी है गाइस। नहीं उठ पा रहा यार मेरे से तो ये, बट मैं उठा लूंगा तुम्हारे लिए, तुम्हें आना पड़ेगा, आ जाओ गाइस। उठ गया साले को, बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। ये एक ऐसा धमाकेदार बम है, अगर इसके ऊपर ना हमने भाई एक तख्ता रख दिया ना और उसके ऊपर आदमी बैठा दिए, तो हो सकता है भाई वो अंतरिक्ष में पहुंच जाए। इसमें ना 240 मिसाइलें निकलेगी, और जब 240 मिसाइलें किसी के नीचे जाके लगेगी ना, तो भाई वो तो ऊपर ही चला जाएगा। वाओ वेरी डेंजरस गाइस, अभी तुमको दिखाते हैं भाई एक स्पेशल सा सामान जो इसके अंदर है। पहले तो चक्री और ये भी चक्री, बट एक ना ये एक ऐसा बम है भाई जो सिर्फ उन लोगों के पास पाया जाता है जो खतरनाक खतरों से खेलते हैं। ये बम ना ऐसा धमाका करता है भाई, हिला देगा मकान भी, हिला देगा एक बार को तो। इसका देसी नाम है सुतली बम, और हमारे घर में एक पटाखा पटकने लगा है। हमारे यहाँ पटाखे भी क्या लग रहे हैं गाइस, हम दुकानदार हैं भाई, ऐसा नहीं है यार, मैं व्यू मिल के पटाखे फोड़ेंगे। फोड़ेगा पटाखे हम ना रॉकेट नहीं लेके आए हैं, तो रॉकेट भी तो जरूरी है क्योंकि उसके ऊपर बैठ गया ऐसे अभी खुलने वाला है ये पिटारा, दिखा ये निकल के आ गया भाई साहब। गाइस ये एक ऐसा पटाखा है भाई साहब, अगर दीवार में मार दिया ना तुरंत पटक जाएगा। अब इससे भी धमाकेदार बम निकलने वाला है भाई साहब। ये एक ऐसी मिसाइल है जिस मिसाइल को गाना चलाना सबके बस की बात नहीं है, बाहर से आदमी बुलाने पड़ सकते हैं, बट हमने ऑनलाइन प्रशिक्षण हो ना, ऑनलाइन प्रशिक्षण ले लिया है इसका, तो हम ऑनलाइन तरीके से इसको उड़ाएंगे। तीमान हाजिर है गाइस तुम्हारे सामने, अब तुम्हारे सामने एक चीज और हाजिर होने वाली है, आ जाओ भाई। गाइस तुम ये कह सकते हो यार मुझे कि तुम कैसे व्लॉग बना रहा है आज, बट कोई बात नहीं, आज मेरे अंदर की फीलिंग जो है ना वो थोड़ी सी ज़्यादा निकल के आ रही है, क्योंकि मेरे पास ना इतने सारे बम हैं तो मैं खुशी से पागल हो चुका हूँ। और अभी गाइस ये है हमारे पास एक ऐसा हथियार जो सिर्फ बिजली से चलेगा, पटाखे नहीं पटकाएगा, सिर्फ चिपकाएगा। और आज का ये व्लॉग अपना यहीं पे करते हैं एंड, ये व्लॉग नहीं था ये हमारी वीडियो थी, और आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं आपसे अभी थोड़ी देर में दूसरे व्लॉग में, जो कि व्लॉग होने वाला है बहुत धमाकेदार धासु, क्योंकि उसमें ना हम पोटास गन का टेस्ट लेने वाले हैं और कुछ और भी करने वाले हैं स्पेशल सा। बाय टाटा, मिलते हैं बाद में। अब करते हैं इसको बंद।